हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 501 से 599 तक के नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना सीखेंगे, मतलब थ्री डिजिट नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना सीखेंगे जो 501 और 599 के बीच में है। ठीक है, डायरेक्टली इसका तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 523 का, आपको इसका स्केयर फाइंड आउट करना है। स्केयर वो सिक्स डिजिट में रहेगा तो आप इसको लिखिए थ्री डिजिट, टू डिजिट, सॉरी डिजिट एंड टू डिजिट। ठीक है, तीन डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, टू डिजिट यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट टू डिजिट 23 का स्केयर निकालिए और यहाँ पे लिखिए, उसके तीन डिजिट यहाँ पे लिखिए। तो 23 का स्केयर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 23 का स्केयर जिसको याद है ठीक है 529, वरना इसको टू डिजिट को भी निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। जैसे 23 का आप स्केयर निकालोगे, एक तरीका ये है कि आप 3 का स्केयर निकालिए 09, 2 का स्केयर निकालिए 04, फिर दोनों की गुणा को 2 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और 2 12, तो 529। ठीक है, तो तीन डिजिट मैंने यहाँ पे लिख लिए, पहला स्टेप ये ख़त्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, जो फर्स्ट डिजिट दिया हुआ वो एज इट इज यहाँ पे लिखो 3, ये हमारा चौथा डिजिट आ गया। अब टू डिजिट यहाँ पे कौन से रहेंगे? जो ये फर्स्ट डिजिट है इसका स्केयर निकालिए, 5 का स्केयर 25 और फिर ये 2 ऐड कर दीजिए 27, ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली। 523 का स्केयर 27 3 529 होता है। दूसरा नंबर ले रहा हूँ जैसे कि 541, ठीक है, आप 541 का फाइंड आउट कीजिए, वही तीन डिजिट, एक डिजिट और दो डिजिट। ठीक है, 41 का स्केयर निकालिए और एज इट इज यहाँ पे रखिए। 41 का स्केयर क्या होता है? 41 का चार एक का स्केयर एक, फिर चार एकम चार, फिर उसकी मल्टीप्लाई आप दो से कर दीजिए तो ये आएगा 8 और फिर 4 का स्केयर 1681। तो आप थ्री डिजिट यहाँ पे लिखिए, 1681 के थ्री डिजिट आप लिखो 681 और एक आपने कॉमन लिया। दूसरा स्टेप क्या था, जो ये यूनिट डिजिट है इसको एज इट इज लिखो। अगर मैं इसको एक एज इट इज लिखता हूँ तो एक ये कॉमन भी था, ये एक कॉमन भी था, एक और एक 2। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है टू डिजिट का, इसका स्केयर निकालिए, 525 और 4 ऐड कर दीजिए 29, तो 541 का ये स्केयर निकल गया। इस तरह हम 501 से 599 तक के नंबर का डायरेक्टली नंबर लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं और टाइम की बचत कर सकते हैं। थैंक यू।